देश विदेश की सैर कारवां 2.0 पर। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। अभिमन्यु काक एक बार फिर से हाजिर है। वेलकम टू आवर शो। और आज हम एक हिस्टोरिक डेस्टिनेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप में से शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डेस्टिनेशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, पर इसके पास के अजंता एलोरा केव्स के बारे में स्कूल बुक्स में पढ़ा डेफिनेटली होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बारे में। जब हम औरंगाबाद का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले अजंता एलोरा केव्स याद आते हैं, पर इस शहर में इन केव्स के अलावा भी बहुत कुछ है देखने को। मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद का नाम रखा गया है। महाराष्ट्र में ये एक बहुत ही लोकप्रिय शहर है। औरंगाबाद शहर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आता है, महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। खेम नदी से घिरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के रूप में कार्य करता है। वर्ष 1681 यानी 1681 में औरंगजेब ने औरंगाबाद को अपने अभियानों के लिए इस्तेमाल किया था। औरंगाबाद इंडिया के सेंटर में था और इस क्षेत्र को अफगान और सेंट्रल एशियन हमलावरों की हमलावार सेनाओं से सबसे सुरक्षित माना जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगाबाद शहर हैदराबाद के निजाम के शासनकाल में आया। 1960 में इसका महाराष्ट्र राज्य में मर्जर हो गया। मुगल शासन से बहुत पहले औरंगाबाद का इतिहास वास्तव में बौद्ध धर्म के युग से जुड़ा है। अजंता और अलोरा की बुद्धिस्ट केव्स ने हमारे देश में उस समय के स्पष्ट बुद्ध प्रभाव को अमर कर दिया था। इन दोनों स्मारकों को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। औरंगाबाद शहर की संस्कृति हैदराबाद की मूल संस्कृति से इन्फ्लुएंस हुई है। औरंगजेब का मकबरा यानी कि टॉम्ब औरंगाबाद के पास एक छोटे से शहर खुलादाबाद में स्थित है, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। हालांकि सबसे प्रसिद्ध स्मारक बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का बुरियल चेंबर है, जो ताजमहल के जैसे ही दिखता है। एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होने के कारण औरंगाबाद इंडिया के मेजर सिटी से रेल लिंक, फ्लाइट्स और नेशनल हाईवे से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। यहां का चिकलथाना एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से यहां डेली फ्लाइट्स आती जाती हैं। अगर आपको औरंगाबाद की टिकट्स नहीं मिली तो पास ही के मुंबई और पुणे एयरपोर्ट्स पर आप लैंड करके औरंगाबाद जा सकते हैं। रेल लिंक के थ्रू ये शहर इंडिया के मेजर रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है और दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता जैसी मेजर सिटीज से यहां के लिए डायरेक्ट ट्रेन्स भी चलती हैं। इसके अलावा आप मुंबई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद, इंदौर और नागपुर से ओवरनाइट बसेस के जरिए औरंगाबाद पहुंच सकते हैं। ज्यादातर बसेस MSRTC की होती हैं, पर प्राइवेट बसेस भी AC स्लीपर बसेस इन रूट्स पर चलती हैं। औरंगाबाद के अंदर का सफर आप ऑटोज, इंटरसिटी बसेस और टैक्सीज में तय कर सकते हैं। और अगर आपको बाइक्स, स्कूटर्स रेंट पे लेके आसपास के एरियाज को एक्सप्लोर करना है तो इट्स अ ग्रेट आइडिया। बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा। औरंगाबाद पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दूर के टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर कर लेना चाहिए, जिसके बाद आप ओल्ड सिटी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं अजंता अलोरा केव्स की। हालांकि इनको अजंता अलोरा केव्स के नाम से जाना जाता है, ये दोनों केव्स एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता की गुफाएं 30 रॉक कट बुद्धा गुफा स्मारक है, जो 2nd सेंचुरी से लेकर 480 BC तक की पुरानी है। गुफाओं को दो चरणों में बनाया गया है। पहला चरण 2nd शताब्दी पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, जबकि दूसरे चरण का निर्माण लगभग 650 बीसी में हुआ था। अजंता केव्स में 250 फीट की चट्टान पर उकरी गई विभिन्न बुद्ध परंपराओं के प्राचीन मठ और पूजा हॉल्स हैं। केव्स में बुद्धा के पिछले जीवन और पुनर्जन्म और बौद्ध देवताओं की रॉक कट मूर्तियों को चित्रित करते हुए चित्र भी मौजूद हैं। ये केव्स जंगल के अंदर सैकड़ों सालों तक छुपे हुए थे और 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन जॉन स्मिथ जब टाइगर हंटिंग करने इन जंगलों में गए तो उन्होंने इन केव्स को डिस्कवर किया। अजंता केव्स एक चट्टानी कड़ी के किनारे पर स्थित है, जो उत्तर की ओर छोटी नदी वघूर पर दाखन के पत्थर में स्थित है। इसके अलावा यहां पर कई वाटरफॉल्स भी हैं और इनकी आवाज आपको केव्स के बाहर से सुनाई देती है।
अजंता शैली, अलोरा केव्स और अन्य स्थानों जैसे कि एलिफेंटा केव्स, औरंगाबाद केव्स, शिवलेनी केव्स और कर्नाटका के केव टेम्पल्स में भी पाई जाती है। केव्स के बेस पॉइंट पर आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी और यहां से आपको ऊपरी तरफ जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ऊपर जाते ही आप पहुंचेंगे केव नंबर 1 के पास। बाकी 29 केव्स भी एक के बाद एक इस एक ही लाइन में दिखेंगे। हर एक केव की एक अलग स्टोरी है और हर एक केव अलग आर्ट दर्शाता है। सारे केव्स को देखने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। केव्स को ऊपर से देखने का एक व्यू पॉइंट भी है और यहां तक जाने के लिए स्टेप्स बने हुए हैं। यहां से आपको सारे केव्स का 120 डिग्री व्यू मिलेगा। अजंता से अलोरा का रास्ता 100 किलोमीटर लंबा है और 3 घंटे की ड्राइव है। औरंगाबाद से इसकी दूरी केवल 15 किलोमीटर है। औरंगाबाद से जब आप अलोरा केव्स की तरफ सफर करेंगे तो पहले आएगा दौलताबाद फोर्ट या देवगिरी फोर्ट। ये 12वीं शताब्दी में भीलीमा के यादव राजा द्वारा बनाया गया था और इसे देवागिरी कहा जाता है। देवागिरी को देवागढ़, सरगिरी और धारागिरी भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली को देवागिरी से रिप्लेस कर दिया था और इस किले का नाम दौलताबाद रखा। किले में विशाल दीवारों की परतें हैं, चारों ओर गहरे पानी की खाई है और एक मजबूत रक्षा के लिए प्रवेश मार्ग की व्यवस्था है। प्रवेश द्वार को पार करने के बाद आप गार्ड रूम और प्रदर्शन के लिए रखी विभिन्न प्रकार की तोपों के साथ मजबूत दीवारें देख सकते हैं। प्रवेश द्वार की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि गेट्स में प्रवेश करने वाला कोई भी शत्रु हर तरफ से हमले के लिए एक्सपोज्ड है। मेन एंट्री गेट के आसपास की दीवारें अभी भी अच्छी हालत में हैं। मेन एंट्रेंस को पार करने के बाद हम मुख्य किले के क्षेत्र की ओर चल पड़ते हैं। वॉकवे के बाईं ओर आप पानी की एक विशाल टंकी देख सकते हैं जिसे हाथी तालाब के नाम से जाना जाता है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कम से कम 66 मीटर्स गहरी है और पूरे किले के लिए पानी का मेन सोर्स थी किसी जमाने में। अच्छा, झील के पीछे एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसे भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भारत माता को समर्पित है। मंदिर के आंगन में एक विशिष्ट छत नहीं है लेकिन सुंदर मूर्तियां जरूर है। इस मंदिर का आकार ऐसा लगता है मानो ये याद के प्राचीन काल से ही है। मंदिर के खंभों को इस तरह से बनाया गया है कि वो एक ही पंक्ति में और एक ही आकार के हैं। मंदिर की एंट्रेंस में प्रवेश करने के बाद ही मंदिर की सुंदरता को देखा जा सकता है। वॉकवे के दाईं ओर 4 चरण 100 मीटर की ऊंचाई का टावर है जिसे चांद मीनार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान अहमद शाह ने इस टावर का निर्माण गुजरात पर विजय के लिए किया था। इस मीनार में प्रवेश करना इज नॉट अलाउड। मीनार पार करने के बाद आप 2 किनारों के साथ पहले द्वार पर आ जाते हैं। किले पर चढ़ाई इस पॉइंट से शुरू होती है और फोर्ट के सबसे ऊपरी पॉइंट तक स्टोन स्टेप्स रखे गए हैं। आप दांडी दरवाजा, छन्नी महल के रूप में जाने जाने वाले दूसरे द्वार देख सकते हैं जिसका इस्तेमाल किले पर कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। फोर्ट पर अगला आकर्षण किले के चारों ओर मोट है। मोट पर 2 पुल हैं, एक लोहे का पुल और दूसरा एक पुराना सा पुल है जो निचले स्तर पर पत्थर का बनाया गया है। पुल पार करने के बाद का पॉइंट हमें तीसरे एंट्री डोर पर लेके जाता है जो अधिकतम 10 से 12 लोगों को ही कैरी कर सकता है। इसके बाद आप एक गुफा के द्वार को डार्क मेज के रूप में देख सकते हैं। मेज में एक रास्ता इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन खो सकता है और आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। छत पर छोटी खिड़कियां हैं जो सुरंग में गर्म मिर्च और तेल के धुएं को छोड़ने के लिए उपयोग की जाती थी। सुरंग में कोई भी लाइट सोर्स आपको नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरे भाग में कुछ लाइट सोर्स जरूर हैं। सुरंग के रास्ते और कुछ कदमों को पार करने के बाद आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। शीर्ष पर एक 8-एज्ड इमारत है जिसे बरादरी भी कहा जाता है। महल की बालकनियां आपको किले और दौलताबाद शहर का दृश्य प्रदान करती हैं। महल के दाईं ओर का दरवाजा आपको किले के सबसे ऊपरी पॉइंट पर लेके जाता है। तो ये तो हो गई फोर्ट की बात, लेकिन अब करते हैं अपना रुख अलोरा केव्स की तरफ। अलोरा केव्स औरंगाबाद से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलोरा गुफा का ओरिजिनल नाम वेरुल है, लेकिन अंग्रेजों के लिए क्योंकि इट वॉज अ डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन के वेरुल कैसे बोलेंगे, सो दे नेम्ड इट अलोरा।
एलोरा गुफा का मुख्य आकर्षण है कैलाशनाथ मंदिर, और ये मंदिर एलोरा की 34 यानी 34 गुफाओं में से 16वें नंबर की गुफा में स्थित है, यानी 16th नंबर की गुफा में है। इस मंदिर का निर्माण कंप्लीट होने में लगभग 200 साल लगे थे। एलोरा कैलाशनाथ मंदिर के अलावा 33 यानी 33 रॉक कट केव्स हैं। दक्षिण में 12 गुफाएं बुद्धिस्ट हैं, हिंदू धर्म को समर्पित करने में 17 केव्स, और उत्तर में 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित हैं। गुफाएं सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती हैं। अजंता केव्स सोमवार को बंद रहते हैं और एलोरा केव्स मंगलवार को बंद रहते हैं। दोनों केव्स सभी नेशनल हॉलिडे पर भी खुली रहती हैं। बहुत कम लोगों को याद है कि ताजमहल का एक रेप्लिका औरंगाबाद में भी बनाया गया था। औरंगजेब के बेटे अजाम शाह ने अपनी मां की मेमोरी में बनाया था ये रेप्लिका, जिसे कहते हैं दाखनी ताज, और हम जानते हैं बीबी का मकबरा इस नाम से। ये औरंगाबाद का मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है और इसकी सुंदरता ताजमहल के मुकाबले है। मेन एंट्रेंस में एक इंस्क्रिप्शन है जो ये कहता है कि इस मॉन्यूमेंट का डिजाइनर था अताउल्लाह, जो ताजमहल के डिजाइनर का बेटा था। ताजमहल की तरह यहां व्हाइट मार्बल इस्तेमाल किया गया है और इसका डिजाइन चार बाग फॉर्मेशन में ही है। बीबी का मकबरा देखने के बाद एक चीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए वो है हिमायत बाग, जो मुगल गार्डन है। 300 एकड़ के एरिया में बना हुआ ये मुगल गार्डन। अच्छा, अगर आपके पास औरंगाबाद में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप लोनार की एक ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। औरंगाबाद से लगभग 3 घंटे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार क्रेटर लेक औरंगाबाद के पास घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। जियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि लालबाग 40,000 साल पहले एक मीटियोर यहां पे क्रैश हुआ था, जिसके कारण एक क्रेटर बना और फिर वहीं पे एक लेक प्रकट हुई। पहले यह माना जाता था कि एक ज्वालामुखी फटने के कारण ये क्रेटर बना, लेकिन फिर बाद में कुछ स्टडीज ने ये कंफर्म किया कि एक्चुअली इट वाज अ मीटियोर क्रैश, जिसकी वजह से ये क्रेटर बन गया और लेक फॉर्मुलेट हो गई। ओवल शेप का है ये क्रेटर और हर तरफ हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। इसकी सुंदरता वाकई में देखने लायक है। अब घूमना फिरना तो हो गया, लेकिन औरंगाबाद पहुंचे और भूख लगी तो क्या करेंगे? आइए बताता हूं आपको कि औरंगाबाद का फूड कल्चर कैसा है। देखो, मुगलई इन्फ्लुएंस रहा है औरंगाबाद पे, तो जाहिर सी बात है कि फूड कल्चर में भी मुगलई इन्फ्लुएंस होगा। और वाकई में औरंगाबाद जो है वो मुगलई क्यूजीन से बहुत हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। सबसे पहले यहाँ की फेमस डिश के बारे में बता दूं, जिसे कहते हैं नानखलिया। औरंगजेब के जमाने से ये डिश अपने आप में एक कंप्लीट मील है। ओरिजिनली ये मटन स्लो कुक हुआ करता था और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली औरंगजेब के शासन के दौरान उन्हें दुश्मनों से हमले का डर हमेशा रहता था। रात को अगर वो कुकिंग के लिए आग जलाते थे तो दुश्मनों को उनके आर्मी कैंप्स दूर से दिख जाते थे। इसी कारण उन्होंने तंदूर पर स्लो कुकिंग करना स्टार्ट किया। नानखलिया एक ऐसी नॉनवेज डिश है और इसके साथ आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स के कबाब, जो औरंगाबाद के रेस्टोरेंट और स्ट्रीट शॉप्स में आपको दिल खोल के मिलेंगे। बुड्डी गली एक ऐसी जगह है जहां शाम को लाइन से आपको कबाब वाले सड़क के किनारे ताजे ताजे कबाब बनाते हुए देखेंगे। इस एरिया में घुसने से पहले ही चारों ओर आपको कबाब्स पकने की खुशबू आ जाएगी। कबाब्स और ग्रेवीज के साथ यहाँ पे सर्व किया जाता है औरंगाबाद शीरमल, जो कि एक किस्म की ब्रेड है। कबाब्स में मिलेंगे आपको सेक कबाब, टिक्की कबाब, गलौटी कबाब, टिक्के और तंदूरी आइटम्स। राइस आइटम्स में आपको अगर बिरयानी ट्राई करनी है तो डेफिनेटली करिए। जैसा मैंने पहले बताया, हैदराबाद का कल्चर भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड है यहाँ पे, तो खाने में भी वो चीज़ आपको महसूस करने मिलती है। खाने के एंड में ये जरूर ट्राई करें, दूधी हलवा, मैंगो रबड़ी, मावा जलेबी और फिरनी। बुड्डी गली के अलावा आपको टिपिकल औरंगाबाद स्ट्रीट फूड जो है लोकल खाना आपको रोशन गेट में मिलता है। यहाँ भी स्ट्रीट वेंडर्स है, लोकल रेस्टोरेंट है, ताज़े नॉनवेज आइटम्स है जो शाम शाम को बनाए जाते हैं। और अगर आप ईद के वक्त यहाँ आते हैं तो आपको और भी ढेरों नॉनवेज ऑप्शंस मिलेंगे। पर इन सब में से जो मेरी फेवरेट डिश थी औरंगाबाद में, उसे कहते हैं कंटुक्की। हाँ, सही सुना आपने, अगर आप औरंगाबाद आए तो मस्तानी ट्राई करें। मस्तानी इज बेसिकली 3 फ्रूट जूसेस का मिक्सचर जिसके ऊपर आइसक्रीम डालकर उसे सर्व किया जाता है। तो ये थी ट्रिप औरंगाबाद के बेस्ट टाइम की। वैसे अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम इज अक्टूबर से मार्च, जो सबसे सूटेबल है। समर्स में ट्रैवल अवॉइड करें क्योंकि टेम्परेचर राइजेस अप टू 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर उस टेम्परेचर में आप अजंता एलोरा केव्स देखने गए तो बहुत चलना पड़ेगा आपको। मॉनसून के महीने हैं जुलाई से सितंबर, ये भी अच्छा टाइम है ट्रैवल करने का, लेकिन ओकेजनली बारिश आपके रंग में भंग डाल सकती है।
अलविदा लेता हूं आज औरंगाबाद से, और मैं यानी अभिमन्यु काक अगली बार फिर एक शहर लेके पहुंचूंगा और अपनी आवाज से आपको वो शहर दिखाऊंगा, सो दैट यू मेक योर ट्रैवल प्लान्स सून. टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग. आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से ये दिल संभाले. बोलिए लब पे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं. पल पल बिखरे हैं कितने उजाले. क्या करूं क्या सोचता है, चैन दिल का ढूंढता है. अपनी किस्मत को जगा ले, बीच का पर्दा उठा ले. आजमा ले, आजमा ले, आज खुद को आजमा ले. फिरता है कब से ये दिल संभाले. ओ बोलिए लब पे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं. पल पल बिखरे हैं कितने उजाले. है दर्द कितने झेलता है. सोचता तू और कुछ है, और कुछ तू बोलता है. अपने गम से खेलता है, दर्द कितने झेलता है. सोचता तू और कुछ है, और कुछ तू बोलता है. अपने दिल को तू मना ले, बीच का पर्दा उठा ले. आजमा ले, आजमा ले, आजमा ले, आज खुद को आजमा ले. फिरता है कब से ये दिल संभाले. बोलिए लब पे रुके हैं, तेरे सजदे में झुके हैं. पल